वेरी वेल वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे फंगस की डिस्कवरी हो गई है, या कहा जाए कि ऐसे फंगस की खोज हो गई है। ये फंगस अब जाके हमारे जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फैल रही है, उसको निपटाने में मदद करने वाला है। अब ये ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाया? एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट है, या फिर कहा जाए एक यूनिवर्सिटी है, जो आपका बोला जाए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ नेदरलैंड्स के जो फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये जो पर्टिकुलर यहाँ के जो मरीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक पर्टिकुलर ऐसे फंगस को खोज के निकाला है। ये फंगस एक ऐसा फंगस है जिसका नाम है पेरिंगायोडोंटियम एल्बम। और ये पेरिंगायोडोंटियम एल्बम जो है, ये एक ऐसा टाइप का फंगस है। इस फंगस में ये कैपेबिलिटी है कि ये आपके प्लास्टिक के पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर सकता है, उसको डिग्रेड कर सकता है और उसको पचा सकता है, और इसको डाइजेस्ट करके ये पूरी तरह से प्लास्टिक को नष्ट कर सकता है और डाइजेस्ट करके पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती है। अब ये ऐसा कर कैसे पाता है? जिस प्लास्टिक को ये डिग्रेड कर सकता है या इसको डाइजेस्ट कर सकता है, इस प्लास्टिक का नाम है प्लास्टिक पॉलीइथाइलीन। ये जो प्लास्टिक पॉलीइथाइलीन है, इसी पर्टिकुलर प्लास्टिक पॉलीइथाइलीन को ये डाइजेस्ट कर सकता है। अब इसका रेट कितना है, किस रेट से, किस दर से ये इस पर्टिकुलर जो प्लास्टिक है जिसका पॉलीइथाइलीन है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्लास्टिक्स में, इसको ये कैसे डिग्रेड कर पाएगा? एक्चुअली इस पर्टिकुलर जो फंगस है, इसको खोजा गया है आपके नॉर्थ पैसिफिक ओशंस के डीप ओशंस में, मतलब गहरे समुद्र में इस पर्टिकुलर फंगस को खोजा गया है। अब ये फंगस ऐसा कर कैसे पाता है? एक्चुअली फंगस को ऐसे करने के लिए एक सिस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ये कैसे कर पाता है फंगस को, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है सनलाइट की। और सनलाइट में आप जानते हैं होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और यूवी रेडिएशन के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि जब ये यूवी रेडिएशन या सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं, तब जाके ये यही जो इनका जो प्लास्टिक पॉलीइथाइलीन है, इसको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब इनको डाइजेस्ट ये करते क्यों हैं? क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में जो भी प्लास्टिक्स हैं, वो एक तरह से कार्बन के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, या कार्बन के ही पार्टिकल कहलाते हैं। अब इनके कार्बन की जो बॉन्डिंग है, वो जल्दी से टूट नहीं पाती है, जिसके कारण प्लास्टिक जल्दी से गल नहीं पाता है। बट इसी को फंगस यूज़ करता है, वो इसके जो कार्बन की बॉन्डिंग्स है उसको डाइजेस्ट करता है और इसके बॉन्ड का ब्रेक डाउन करता है। अब ये कैसे कर पाता है? इसको ऐसा करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस की ज़रूरत होती है, जो इसे सनलाइट से प्राप्त होती है या सूरज की रोशनी से मिलती है। तो इसी का यूज़ करके ये प्लास्टिक पॉलीइथाइलीन को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर सकता है या उसको गला सकता है, जिसके कारण जो प्लास्टिक की समस्या है, जो आज यहाँ पर पृथ्वी में हर जगह पे है, क्योंकि हर साल लगभग पृथ्वी में 400 बिलियन किलोग्राम्स का जो प्लास्टिक कचरा है वो निकलता है। और नॉर्थ पैसिफिक ओशन की तलहटी या उसके गहराई में बोला जाए 80 मिलियन किलोग्राम्स का कचरा तो चला भी गया है। तो माना जाए कि ये फंगस हमारे प्रॉब्लम को क्या सॉल्व कर सकता है? एक्चुअली इसके इस जो क्वालिटी को चेक करने के लिए मरीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इस पर्टिकुलर फंगस को लाया, और इस फंगस को ला के इसको लेबॉरेटरी में चेक किया। चेक करने पे जब पता चला कि ये जो प्लास्टिक पॉलीथाइलीन को डाइजेस्ट कर रहा था या उसको गला रहा था, उसकी दर 0.05% पर डे थी। और इसके कारण ये पता चल पाया कि इसका जो रेट है किसी भी प्लास्टिक पॉलीथाइलीन को डाइजेस्ट करने का या गलाने का, वो 0.05% पर डे है। तो ये चीज़ है। ऐसे तो आप जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी हो चुकी है जो प्लास्टिक को गला सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो कुछ स्पीशीज़ का पता तो चल ही गया है। तो बहुत सारे मरीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट का प्रेडिक्शन या उनका आंकड़ा या फिर उनका सोचना ये है कि हो सकता है ओशंस की काफ़ी गहराई में जो प्लास्टिक्स पहुंच गए होंगे, उनको भी डाइजेस्ट करने के लिए कोई ना कोई तो सूक्ष्मजीव या माइक्रोब ज़रूर होगा। और यही माइक्रोब्स आगे जाके इन्हीं पर्टिकुलर प्लास्टिक्स या पॉली, जो अभी आपने को अभी आपने देखा कि जो प्लास्टिक पॉली इथाइलीन है, इसको डाइजेस्ट कर पा रहा है ये फंगस, तो वैसे ही ये सब चीज़ किया इन्होंने। ये पर्टिकुलर ऐसा काम कर कैसे पा रहा है, इसके को चेक करने के लिए इन्होंने प्लास्टिक पॉलीइथाइलीन के जो कार्बन एटम्स थे,
उनको आइसोटोप्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आप जानते हैं कि किसी कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास है वो लगभग 12 होता है, लेकिन इस आइसोटोप कार्बन है उसका एटॉमिक मास 13 होते हैं, जिसके कारण ये मार्कर्स की तरह काम करते हैं। मतलब ये कार्बन अगर फंगस डाइजेस्ट करके जहाँ भी इसको डाइजेस्ट करके ले जाएगा या अपने पेड़ जो डाइजेस्ट करेगा तो जहाँ जहाँ इसका डाइजेशन होगा वहाँ वहाँ पर ये पर्टिकुलर C13 कार्बन के आइसोटोप्स नज़र आएंगे, क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं वो बहुत सारी लाइट को रेडिएट करते हैं या एमिट करते हैं, तो इससे पता चल जाता है। तो हम इसमें आइसोटोप्स के ज़रिए ये पता लगा सकते हैं कि जो प्लास्टिक पॉलीथाइलिन के कार्बन एटम्स को ये डाइजेस्ट कर रहा है तो वो डाइजेस्ट हो के या कितने टाइम में वो डाइजेस्ट हो रहे हैं और कैसे वो एक फॉर्म से प्लास्टिक थाइलिन से कौन से फॉर्म में बदल रहे हैं, ये सब चेक करने के लिए इसी C13 आइसोटोप्स को लिया गया और इसी को मार्कर्स की तरह यूज़ किया गया और इसी पे ही इन फंगस को छोड़ दिया गया। तब हमको पता चल पाया कि ये जो रेट है वो 0.05% पर डे के हिसाब से ये प्लास्टिक के जो कचरे हैं जो पार्टिकल पॉलीइथाइलीन है इसको डाइजेस्ट कर पा रहा था। तो इससे ये उम्मीद तो ज़रूर जगती है कि ओशंस में जो पड़े हुए जितने भी प्लास्टिक का कचरा है जो डे बाई डे रोज़ पैदा हो रहा है और हर साल जो मैंने आंकड़े आपको बताए हैं जिसके, तो ये सबको डाइजेस्ट कोई ना कोई माइक्रोब ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इनके जो प्लास्टिक को डाइजेस्ट करने की दर है वो बहुत कम है हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से। तो इसके लिए हमको प्लास्टिक्स पे काफ़ी ज़्यादा बैन लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचर में कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारी सहायता तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमको भी अपना इनिशिएटिव लेना होगा और इस विषय में सोचना होगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।